हम खुश हैं, हम खुदावंद की हुजूरी में मौजूद हैं और बेशक हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि खुदावंद यहाँ पर उतरा हुआ। तो अभी हम गवाहियाँ सुन रहे थे। मैं जब 10 फरवरी को यहाँ पर आया था, मैंने खुदावंद के जिंदा कलाम में से बयान किया था और मैंने 3 चीज़ें सिर्फ बताई थी कि जब हम गवाहियाँ बयान करते हैं तो होता क्या है। खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है, शिफा का काम जारी होता है, दूसरों के लिए निजात का काम जारी होता है। और ये गवाहियाँ कोई मामूली गवाहियाँ नहीं, जो आज हमने 4 गवाहियाँ सुनी हैं। और हम गाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। तो ये हालात हमारे तभी बदलते हैं जब खुदावंद आ मौजूद होता है। हालेलुया, आए खुदावंद के लिए ज़ोरदार तालियाँ बजाएं। खुदावंद का शुक्र है आज इसको फिर हमें ये मौका दिया कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। लेकिन उससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ें, आए मिलकर हम रसूलों का कीदा पढ़ेंगे। जिनके पास जिनको किस किस को रसूलों का कीदा ज़ुबानी आता है, अच्छी बात है, हम बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़ेंगे। लेकिन जिनको नहीं आता वो गीतों की किताब ले लें, बेशक उनकी आखिर में हमारे पास ये मिलता है और वो उसमें से भी इसे पढ़ सकते हैं। जी भाई सुनील हमें लीड करेंगे और हम सब मिलकर रसूलों का कीदा पढ़ेंगे। रसूलों का कीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस की मसलूब हुआ मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मतलब की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ पाक कलीसिया पर मुकद्दसों की रफाकत गुनाहों की माफ़ी जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। खुदा का शुक्र हो, ये रसूलों का कीदा हमारा कीदा है। और ये बेशक जब पहली सदी में इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो ये आज भी हमारे लिए उतना ही अहम है, क्योंकि ये कलीसिया की ज़रूरत है। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो इब्रानियों के मार्फत लिखा गया जो खत है उसके 13वें बाब की 6 का हम मुतालिया करेंगे। इब्रानियों के नाम लिखा गया खत, और ये खत जो है हम अगर इसकी हिस्ट्री को देखेंगे तो ये खत लिखा गया मुख्तलिफ़ और उलमा का इसके बारे में मुख्तलिफ़ ख्याल है, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन हम आज इसमें से सीखेंगे कि रसूल इसमें से सिखाना क्या चाहता है। 13वां बाब और उसकी 6 यूं मरहूम है, ब्रादराना मोहब्बत कायम रहे, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने बेखबरी में रिश्तों की मेहमानदारी की। कैदियों को इस तरह याद रखो कि गोया तुम उनके साथ कैद हो, और जिनके साथ बदसलूकी की जाती है उनको भी ये समझ कर याद रखो कि हम भी जिस्म रखते हैं। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर भी ताक, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करे। जर की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनात करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं कि
खुदावंद मेरा मददगार मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अगर आप में से जिनके पास नए बाइबल्स के वर्जन हैं, अगर उसको आप निकालें तो इसके ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है और वो हेडिंग है, हम खुदा को कैसे पसंद है, यानी कि खुदा को कैसे पसंद आया जा सकता है। अब यहाँ पर रसूल जो इब्रानियों के ये खत लिखा गया, इसमें इसकी बहुत सारी वजूहात थी और कहा जाता है कि ये जो खत है, ये खत खास लिखा गया यहूदी एक ऐसे फिरके को जो यहूदीज़म को अपने मजहब को छोड़कर वो मसीह, और जब उनके ऊपर इज़हार आसानियाँ आई तो वो इज़हार आसानियों को बर्दाश्त ना कर सकते थे और कुछ लोग जो उनसे थे वो वापस मसीहत से यहूदियों की तरफ वापस जाना शुरू हो गया। अब रसूल उनको इनकरेज करने के लिए एक लेटर लिखता है उनको, इब्रानियों को, हिब्रियों का, इसको हिब्रियों भी कहा जाता है, लेटर ऑफ हिब्रियों, एपिस्टल ऑफ हिब्रियों भी इसे कहा जाता है, और इसका मकसद उनको इनकरेजमेंट था। इसमें तीन बड़ी बातें वो बयान करता है। पहली बात वो बयान करता है, वो बयान करता है कि खुदामंद खुदा जो है वो ही हकीकी बेटा है, और फिर वो उसे एज ए चीफ प्रीस्ट, यानी कि आप उसे कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ा, उर्दू में क्या कहेंगे, जो काहिन है, सरदार काहिन है, वो सरदार काहिन इसको यहाँ पर बयान करता है, और फिर वो उसकी डिविनिटी को, उसकी डिटी को, यानी उसकी अलूहियत को बयान करता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग छोड़कर जा रहे हैं दोबारा से मसीहत को, उनको इनकरेजमेंट करते हुए वो कहता है ब्रादराना मोहब्बत कायम रहे। अब इस लफ्ज़ पे अगर गौर किया जाए तो बोलने से तो लगता ये है कि शायद ये सिर्फ भाइयों के लिए कहा गया, लेकिन दर हकीकत जो जो ग्रीक लैंग्वेज है, यूनानी जो लैंग्वेज है, इसके कुछ असूल हैं, जिस तरह उर्दू की और इंग्लिश की ज़ुबान के कुछ असूल हैं। तो जब यहाँ पर लफ्ज़ ब्रादराना इस्तेमाल किया गया है, ये ना तो मैस्कुलिन है ना फेमिनिन, यानी कि ना ये मुज़क्कर है ना मोनस है, ये न्यूटर है, न्यूटर जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ये भाइयों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और बहनों के लिए। इसलिए अगर बात जहाँ पर भी कलाम मुकदस में ऐ भाइयों कहकर अल्फाज इस्तेमाल किए गए या ब्रादराना मोहब्बत की बात की जा रही है, तो वो सिर्फ भाइयों को मुखातिब नहीं किया जा रहा, वो बहनों के लिए भी उसी तरह ही है। इसलिए बहनें ये ना समझें कि ये जो कलाम है ये सिर्फ भाइयों के लिए है, बल्कि ये भाइयों और बहनों दोनों के लिए है और यकसां है। अब वो कहता है ब्रादराना मोहब्बत कायम रहे, यानी कि वो यहाँ पर हमें ये बयान करता है कि भाइयों की तरह मोहब्बत, यानी कि अगर इसको हम दोनों अल्फाजात के साथ देखें तो भाइयों की तरह मोहब्बत, यानी बहनों की तरह मोहब्बत, और फिर एक तर्जुमे में कहता है भाइयों की सी मोहब्बत, भाइयों की तरह मोहब्बत, ब्रादराना मोहब्बत और भाइयों की सी मोहब्बत रहे। यानी कि अगर वो यहाँ पर ये बयान कर रहा है कि वो जो नफसा नफसी का दौर है, मुश्किल हालात हैं, उन हालात में इनकरेजमेंट ये कर रहा है रसूल कि हमारी जो मोहब्बत है वो आपस में भाइयों की तरह रहे, ब्रादराना रहे, एक जैसी मोहब्बत रहे, उस मोहब्बत में किसी किस्म की कमी ना आए। और अगर हम आज माशरे में देखें तो हमें माशरती तौर पर भी और क्रिश्चियन तौर पर भी मोहब्बत का फुकदान नज़र आता है, और ये जो मोहब्बत का फुकदान है इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि हमारी मोहब्बत ठंडी पड़ती जा रही है, और उसकी भी वजूहात हमें आगे रसूल बयान कर रहे हैं कि वो क्या वजूहात है। लेकिन मैं पिछले दिनों में एक टीवी चैनल पे एक न्यूज़ सुन रहा था कि मोहब्बत इस तरह ठंडी या मान बढ़ती जा रही है कि एक बेटे ने अपने बाप और भाई को गोलियां मारकर कत्ल कर दी और अफसोस होता है कि खून के रिश्ते सफ़ेद होते जाते हैं। फिर मैं एक कहानी सुन रहा था जो हकीकी कहानी, कराची की एक लड़की, उसको इल्ज़ाम लगा उसके शोर ने इल्ज़ाम लगाया कि 4 साल बच्चे ने गोली मारकर अपनी माँ को कत्ल कर दिया। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशंस की गई तो पता लगा कि उस शख्स ने खुद अपनी बीवी को मारकर उस अपने बेटे पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने उसको मार दिया।
और दर हकीकत इससे बड़ी अफसोस का खबर जो इसमें थी वो ये थी कि वो लड़की मसीह थी जो अपने मजहब को तब्दील करके दूसरे मजहब पे जा चुकी। अब 8 साल की शादी का जो नतीजा है वो उसने देख लिया। और मैं इस पे एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का मुकालमा पढ़ रहा था, उसका फीचर पढ़ रहा था, उसने बयान किया कि शादी जैसे भी आप करें और चाहे वो जबरन करें या आप मजबूरन करें या पसंद ही करें, उसके नतायज ऐसे ही निकलते हैं। और इसीलिए कलाम में लिखा है गैर हमार जुड़े में ना जुड़ो। अब हम बात करते हैं मोहब्बत के लिए। मोहब्बत ठंडी पड़ती जाती है और जब मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है तो फिर रसूल हमें कलाम में भी बड़ी खूबसूरत बात करता है। और यही हम कलाम मुकद्दस में अगर करंथियों के खत में लिखें तो वहाँ पे वो बात करता है, तुम बड़ी सी बड़ी नेमतों की आरजू रखो, बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उमदा तरीका वो मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो मोहब्बत के बारे में बात करते हम पेंटिकॉस्टल्स लोगों ने एक चीज़ समझी और हमने ठीक भी समझी कि हमने नेमतों पे बड़ा फोकस किया, लेकिन दर हकीकत हम नेमतों पे फोकस करते करते किसी हद तक फलों को भूल गए। अब फल हम ये समझते हैं कि नेमतें बेशक तरह तरह की हैं लेकिन सोर्स एक है, वो पावरू है और हकीकत भी है। लेकिन कलाम एक चीज़ बयान करता है कि नेमतें अगर हमारे पास किसी तरह की भी नेमतें हों और मैं मोहब्बत ना रखूँ तो मैं क्या हूँ, खनखनाता पीतल और जनजनाती जांच। अगर मेरे पास नबूवत ऐसी नेमत भी आ जाए, मैं नबूतें करूँ और मेरी नबूतों से लोगों को फ़ायदा भी हो, लेकिन मैं मोहब्बत ना रखूँ तो फिर मैं क्या हूँ, खनखनाता पीतल और जनजनाती जांच। और अगर फिर वो कहता है कि मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो जाए कि मैं पहाड़ों को कहूँ कि वो यहाँ से हट दो, उन्हें हटा दूँ, मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर मेरे पास इतनी दौलत हो मैं अपनी दौलत सारी गरीबों को भी खिला दूँ, मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर आप इस पूरे चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो वो बयान करता है, वो फिर मोहब्बत की करेक्टरिस्टिक्स बयान करता है, उसके बताता है कि मोहब्बत करती क्या है। लेकिन आखिर में वो फिर इसको डिस्क्लोज या क्लोज इस तरह से करता है कि गर्ज़ ईमान उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी हैं मगर अफजल इनमें क्या है, मोहब्बत। तो अगर आज चर्च के पास मोहब्बत नहीं है तो फिर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम नेमतों के पीछे भागते ज़रूर हैं, भागना चाहिए। किसी भी चर्च में रूहानी तरक्की उसकी नेमतें बताती हैं और हम ये समझते रहे हैं कि जब तक हम नेमतें हमारे में हैं हम शायद ज़्यादा बुलंद आवाज़ से दुआ करेंगे, हम शायद ज़्यादा लाउडली वर्शिप करेंगे तो उसमें बरकत है। लेकिन मेरे अजीज़ों एक बात याद रखिए कि फल जितना ऊंचा बोलते हैं कोई भी जुबान उतना ऊंचा नहीं बोलती। अभी खुदा ने मौका दिया हम रूह के फलों पर भी बात करें और इंसान अपने फलों से पहचाना जाता है। किसी भी आम के पेड़ पर दरख्त पर अमरूद नहीं लगेंगे, आम ही लगेंगे। किसी भी सेब के दरख्त पर कोई दूसरा फल नहीं लगेगा, वो ही फल लगेगा। इसी तरह अगर एक ईमानदार ये कहता है कि मैं दुआ करता हूँ मौजज़ा हो जाता है, अगर एक ईमानदार ये समझता है मेरी दुआ करने से नबूवतें होती हैं, लोगों के लिए राह हमवार हो जाती है, तो उसको ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे फल भी उसी तरह दूसरों के लिए होने चाहिए और नेमतों के जो फल हैं उनमें से मोहब्बत भी एक फल। तो रसूल यहाँ पर इनक्रेज कर रहा है चर्च को कि ब्रादराना मोहब्बत रखो, एक दूसरे के साथ ऐसी मोहब्बत रखो जैसे हम आपस में मोहब्बत, और जो मोहब्बत मैं अपने साथ करता हूँ अपने भाई के साथ भी वैसी ही मोहब्बत। फिर रसूल बयान करता है दूसरी बात मुसाफिर परवरी के हवाले से, और वो रसूल बयान करता है कि तुम में से कुछ लोगों ने अनजाने में फरिश्तों की भी तुमने क्या की, तुमने उनकी परवरिश की। और हमें इब्राहिम की एग्जाम्पल मिलती है, हमें यहाँ पर लूत की एग्जाम्पल मिसाल मिलती है। इब्राहिम एक दोपहर को अपने खैमे के बाहर बैठा हुआ था
और जब वो बैठा था तो उसने ममरे के दरख्तों में से तीन लोगों को अपने पास आते देखा और उसने उनकी खिदमत की। और कलाम बयान करता है कि वहां पर उसको फिर एक इजहाक का वादा भी उसके साथ किया गया और उसे बताया गया। फरिश्ता कहता है, खुदावंद कहता है वहां पर उसे कि अगले बहार में जब मैं आऊंगा तो क्या होगा कि बेटे की नवीद देकर उसको जाते और वो उसकी परवरिश करते। मेरे अजीजों, कलाम में जो ये मुसाफिर परवरी यहाँ पर लिखी गई है, लफ्ज़ लिखा गया है, ये यहाँ पर जो है मेहमान नवाज़, इसके लिए जो ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है मेहमान नवाजी से ना भूलो, यानी कि मेहमान नवाजी ख़त्म ना करो, अपने अंदर मेहमान नवाजी रखो। अब अगर हम देखें, मुझे बचपन में याद है कि जब घर में मेहमान आते थे हम बड़ी आवभगत करते थे, लेकिन आज एक वक्त नफ्सा नफ्सी के दौर में टाइम कम होता है हर एक के पास, लेकिन हमने अपने आप को बड़ा सिस्टमेटिकली चला रहे हैं, लेकिन हमें मेहमानदारी करनी है, मुसाफर परवरी करनी है, दूसरों का ख्याल करना है। अब रसूल यहाँ पर कलीसियाई तौर पर बयान कर रहा है कि कलीसियाई तौर पर तुम्हारी ब्रदराना मोहब्बत भी होनी चाहिए, और अगर तुम कलीसियाई तौर पर तरक्की करना चाहते हो तो आपस में मुसाफर परवरी भी रखो, एक दूसरे का ख्याल भी रखो। मैं कल एक कैप्शन पढ़ा, एक शख्स ने भेजी कि दो भाई थे और एक भाई अपने को बड़ा अमीर था और वो चौथी दफा हज करने के लिए जा रहा है, और जब चौथी दफा हज करने के लिए जा रहा है तो अपने घर के जो पड़ोसी पड़ोस है साथ में उसका भाई रहता है और उसको जाकर बताता है, वो उसका भाई फटे कपड़ों के साथ और अपनी बेटी के सर पर फटे दुपट्टे के साथ था और वो उसे कहता है कि दुआ करना मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ। अब वो जो राइटर था वो उसके बारे में आर्टिकल लिखने में वो ये कह रहा था कि ठीक है वो हज करने के जा रहा है, खुदावंद उसे बरकत दे, लेकिन उससे ज़्यादा वो फोकस कर रहा था कि उसे अपने भाई की भी फिक्र करनी है जिसकी बेटी के सर पर फटा दुपट्टा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है और उसकी मोहब्बत बेशक यहाँ पर मान है, लेकिन वो उसको इंकरेजमेंट करता है रसूल के मुसाफर परवरी भी करो, और फिर कहता है कैदियों की इस तरह से फिक्र करो, उन कैदियों की जो कलाम की खिदमत करते हुए कैद हो गए, कलाम की खिदमत करते हुए। आज अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे हमारे जो लीडर्स हैं, जो चर्च लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, मिशनरीज हैं, वो बहुत सारी जगहों पर कैद में हैं, और अगर आप उनकी उनकी कुछ बुक्स हैं उनको अगर आप स्टडी करते हैं तो जो लोग कैद से वापस आए वो वहाँ पर जो इजहार आसानियाँ हैं उनका जिक्र करते हैं, तो वो खौलनाक इजहार आसानियाँ हैं। और रसूल यहाँ पर इंकरेजमेंट कर रहा है कि जो लोग कैद में हैं कलाम की खिदमत करते हुए, कलाम को बयान करते हुए, उस खुशखबरी को लेकर जाने के लिए, उनको उनके लिए तुम दुआ करो। और फिर वो ये भी कहता है कि ये भी याद रखो कि जिस तरह तुम बदल रखते हो वो भी बदल रखते हैं, तो जैसे तुम अपने, अब उसका मैसेज ये है कि जिस तरह तुम अपने बदन की फिक्र करते हो इसी तरह आप उनकी फिक्र करो। और आप जब एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर एक शख्स आपके खादम है, पास्टर सुलेमान है, अगर वो यहाँ पर कलाम सुनाते हैं या किसी जगह पर जाकर कलाम सुना रहे हैं तो बाइबली रूह के मुताबिक जब वो कलाम सुनाते हैं और बेशक वो फ्रंट लाइन पे हैं, आप दुआ में उनके लिए ठहरे हुए हैं या आप फाइनेंशियली या किसी भी रिसोर्स के तहत उनकी मदद करते हैं, तो जितना अजर उनको मिलना है उतना अजर आपको भी मिलेगा। ऐसा कतन नहीं है कि उनका अजर ज़्यादा होगा क्योंकि आप बराबर के शरीक होते हैं। मैं डॉक्टर बिली ग्राम की एक कहानी सुन रहा, उन्होंने रोया देखी और रोया में उन्होंने क्या देखा कि वो आसमान पर चले गए हैं, और जब वो आसमान पर चले गए हैं तो उन्होंने देखा कि मैंने एक बड़े लोग आ रहे हैं और उनमें खुदावन है और वो मुझे वेलकम करने के लिए आ रहे, तो सोचता है कि मैंने इतनी रूहें जीती, मैं जब कलाम सुनाता था तो हजारों के लोग जो मजमे में थे वो निजात हासिल करते थे, वो सोचता है कि ये हार जो आ रहा है ये मेरे गले में डलेगा, लेकिन दर हकीकत जब वो पास आते हैं तो होता क्या है कि एक बुजुर्ग औरत होती है उसके गले में वो हार पहनाया जाता है, उसको वेलकम किया जाता है। आप हैरान हो जाते हैं और हैरान होकर पूछते हैं कि ये क्या है,
तब उनसे वहां पर फरमाया जाता है डॉक्टर से कि जितनी देर तक, अच्छा वो सोचते हैं कि ये औरत तो मेरे चर्च में झुकना सीधी कर दी थी, लेकिन एक खास बात थी कि उसको क्यों प्रेस किया गया, उसको क्यों प्लीज किया गया, क्यों उसको उसकी हौसला अफजाई की गई, क्यों उसकी वजह ये थी कि जितनी देर तक खुदा का खादम पुलपिट पे कलाम सुनाता था उतनी देर तक वो औरत अपने घुटनों के बल झुककर दुआ करती रहती थी। अब जब वो दुआ कर रही है तो फिर अब खादम के वसीले से बेशक हजारों वहां पे लोग निजात याफ्ता हो रहे हैं, रूहें जीती जा रही हैं, लेकिन उस औरत को भी क्रेडिट उतना ही मिला बल्कि उससे ज्यादा मिला। इसलिए रसूल इनकरेज करता है कि आप जो उन कैदियों के लिए जो कैद में हैं उनको बराबर का समझें अपने मुताबिक, और जो खादमीन खिदमत में हैं उनको बराबर का समझें। आप जब उनकी सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आप दुआ में ढह जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक चीज सीखी है, अगर आप अच्छा कलाम सुनना चाहते हैं ना तो मैं फिर आपको एक गुजारिश करूंगा, ये खाली खादम की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप अच्छा कलाम सुनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके ऊपर भी खुदा का रूह जुम्बश करता रहे, तो जितनी खुदा के खादम की जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी जिम्मेदारी है। फिर आप अपने खादम के लिए दुआ करें कि खुदावन उसको नेम का आशीर्वाद दे, खुदावन उसको मेरी जरूरत के मुताबिक बोलने का फजल दे, ताकि खुदावन आपको उसमें से होकर कलाम करे। मैं कल एक जगह पर बात कर रहा था, लोग खादमीन को बुलाते हैं कि भाई साहब आए कलाम सुनाए। अब खुदा का खादम को मशीन में ही होता, बटन दबाया कलाम निकल आया। कलाम के लिए खादम को खुदा की हजूरी में झुकना पड़ता है, उसे कलाम मांगना पड़ता है, खुदा से कलीसिया की जरूरत के मुताबिक कलाम मांगना पड़ता है। और अगर खादम अपनी मर्जी से कलाम सुनाता रहे, जैसा वो सुनाना चाहता है अपनी पसंद से, तो फिर वो बेअसर रहेगा, वो कलीसिया में उस तरह से फायदेमंद नहीं रहेगा। इसलिए मेरी इंकरेजमेंट है आज कलीसिया को, अगर आप चाहते हैं तो फिर बहने अपना काम करते हुए, भाई अपना काम करते हुए भी अपनी कलीसिया के लिए, अपने खादम के लिए दुआ करें कि खुदावंद जब तेरा बंदा कलाम सुनाता है वो यहाँ पर हो तो हम जब उसके बराबर के शरीक हैं तो वो हम सबके लिए बरकत का बायस बने। तो आप यकीन जानिएगा कि खुदा का रूह आपके ऊपर जुम्बश करता हुआ आपको नए सिरे से रिवाइव करता चला जाएगा और आप बहाल हो। अब अगली बात, रसूल एक और बड़ी खूबसूरत बात, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझा, शादी करना। और कलाम में हमें लिखा है, अगर हम इस आयत को ओरिजिनल टेक्स्ट को मैंने लिखा है, अगर हम उसमें से तर्जमा पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है लाजम है कि सब के सब इस दवाजी ज़िंदगी का एहतराम करें, शोहर और बीवी एक दूसरे के वफादार रहें, क्योंकि खुदा जनाकारों और शादी के बंधन तोड़ने वालों की अदालत करेगा। खुदावंद यहाँ पर भी अदालत करता है, आसमान पर भी अदालत करेगा, और वो कहता है कि लाजम है कि हम सब अज़्वाजी ज़िंदगी का एहतराम करें। और ब्याह करना खुदा कहता है कि इज्जत का बायस समझा जाए। खुदा ने आदम के लिए एक हवा बनाई। कलाम ब्याह करता है कि खुदा के पास रूहों की कमी नहीं है, खुदा चाहता तो वो आदम के लिए एक से ज़्यादा हवा बना सकता था। हवा नंबर एक हो सकती थी, हवा नंबर दो हो सकती थी, तीन हो सकती थी, ज्यादा भी हो सकती, लेकिन खुदा ने जो पहला रिश्ता बनाया वो एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता बनाया। इस रिश्ते में हम हमेशा कहते हैं माँ बाप नहीं छोड़ते अपने बच्चों को, लेकिन दर हकीकत अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो आपका जिंदगी का जो साथी है वो ही आपकी आखिरी हदों तक आपके साथ रहता है, और ये एक हकीकत है। इसी वजह से रसूल इनकरेज कर रहा है कि ब्याह करना तुम सब में इज्जत के बायस समझा जाए, इज्जत की निगाह से देखा जाए। बेशक कलाम ये भी बयान करता है कि बहुत सारे खोजे ऐसे हैं जो खोजे बनाए गए हैं, बहुत सारे खोजे ऐसे हैं जिन्होंने जिनको जो पैदा ही खोजे हुए, और बहुत सारे खोजे ऐसे भी हैं जिन्होंने कलाम की खातिर अपने आप को खोजा बना दिया।
रसूल एक और इनकरेजमेंट करता है, अगर आप शादी के बगैर रह सकते हैं तो रहें, लेकिन एक और इनकरेजमेंट भी है कि आप ब्याह करें। इज्जत की बात है, बिस्तर बेदाग हो, बिस्तर में किसी किस्म का दाग ना हो, यानी कि इंसान के रिश्ते में जो रिलेशन है इस पर किसी किस्म का गुनाह नहीं आना चाहिए। हमने सेमिनरी में एक चीज सीखी, हमारा एक टीचर है डॉक्टर एडी लैंस, वो हमें सिखाते हैं, वो कहते हैं कि एक पास्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपने चर्च में हर किस्म की तालीम दे, इवन जना के बारे में तालीम दे, इवन वो शादीशुदा जिंदगी के बारे में तालीम दे। क्यों? अगर आप तालीम देंगे, आप कलाम के पहराए आईने के मुताबिक तालीम देंगे, लेकिन जब शैतान तालीम देगा वो जनाकारी के मुताबिक तालीम देगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम कलाम के मुताबिक, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, या अगर खादिम कोई तालीम यहाँ से ऐसी देते हैं तो इसमें किसी किस्म का ऑफेंसिव होने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुदा के कलाम की बात है। और अगर खुदा किसी चीज़ का को ढांकना चाहता तो वो कलाम में से इन बातों को निकाल देता, लेकिन उसने ये चीज़ें कलाम में रखी हैं। अब वो ये फरमाता है कि बिस्तर बेदाग हो। अब एक और हकीकत मैं बयान करना चाहूँगा, कलाम मुकद्दस में अगर पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो खुदावंद ने एक बात कही, उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और खुदा ने उसके लिए एक कंपेनियन साथी बना दिया, इसलिए लफ्ज कंपेनियन यूज किया, साथी मददगार, यही लफ्ज पाखरू के लिए भी सेम इस्तेमाल किया। अब मुझे एक बात बताएं, किसका अकेला रहना ठीक नहीं था? किसका था? किसको जरूरत थी? मर्द को किसकी जरूरत थी? औरत की जरूरत, ऐसे ही है। लेकिन हम चूंकि एक इस्लामिक कल्चर में रहते हैं, हमने बाइबल की जो तालीम है उसको उल्टा कर दिया, हम ये कहते हैं औरत को मर्द की जरूरत है, लेकिन हकीकत ये है कलाम के पैराए के मुताबिक देखें तो मर्द को औरत की जरूरत है, और मर्द के लिए औरत बनाई गई, औरत के लिए मर्द नहीं बनाया गया। और जब कलाम ये बयान करता है ना कि खुदा ने ये देखा कि आदम का अकेला रहना दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, तो फिर उसने उस पर गहरी नींद भेजी और उसके लिए क्या हुआ, एक औरत को बनाया, हवा को बनाया। और फिर कलाम में एक और बात लिखी है कि उसने कहा कि ये एक तन होंगे। अब जो वहाँ पर लफ्ज तन लिखा गया है ना, एक तन, वो तो फिजिकल सिर्फ रिलेशंस को बयान नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि सिर्फ एक जो उनका इज्दवाज है उसको, उसके लिए तो खुदा ने आगे फरमा, पहले फरमा दिया कि बढ़ो और फलो और जमीन को मारो, मामूरो, माकूम करो। लेकिन यहाँ पे जो तन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो फिजिकल रिलेशंस भी है, लेकिन इसके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स भी है, बाहमी रजामंदी भी है, यानी कि मर्द के हर एक फैसले में औरत उतनी ही जिम्मेदार है, उतनी ही साथ चलेगी, और ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो हर एक बात औरत को बताए। अब कुछ भाई हंस रहे हैं बात है, तो ये ना समझे, लेकिन मैं जो तालीम दे रहा हूँ वो कलाम के मुताबिक तालीम दे रहा हूँ, अपनी तरफ से तालीम नहीं दे रहा। अब एक आपको इसकी एग्जाम्पल से एक बात समझाते हैं, खुदा ने आदम को लिया और उसे अदन में रख दिया और उसे क्या कहा कि वो बागबानी करे, निगहबानी करे। अब कलाम को अगर आप गौर से पढ़े तो उस वक्त आदम अकेला था, और खुदावंद ने किसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि इस दरख्त में से नहीं खाना, कोई मुझे बताएगा, किसको दी थी? आदम को दी थी। रद्दी किससे हुई थी? हवा से हुई थी। अब क्या हुआ, थियोलॉजियंस कहते हैं, स्कॉलर्स बयान करते हैं कि पहली गलती जो आदम ने की वो ये की कि उसने वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस, वो बातें जो खुदा ने उसको बताई थी एज इट इज, वो बातें उसने हवा को नहीं बताई, हवा नहीं जानती थी कि इस फल में से नहीं खाना, ये गलती आदम की थी। इसीलिए जब सजा मिलती है तो शैतान को उसने कहा शाम को तुम अलाउ डाला, औरत को कहा तेरे दर्द को बहुत बढ़ाऊंगा। अब उस स्टेटमेंट को अगर हम पढ़े ना तो उसमें जब पढ़े तो हर एक फिक्रे का एक स्टेटमेंट एक लफ्ज पे जोर होता है,
तो उसमें जोर है बहुत बड़ा, यानी कि दर्द पहले औरत को था, लेकिन फिर खुदावंद ने कहा तेरा दर्द बहुत बढ़ेगा, तू दर्द के साथ बच्चा जमेगी। लेकिन आदम को उसने कहा चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और तेरे सबब से जमीन क्या हुई, लानती ठहरी। उसने हवा को नहीं कहा कि तेरी वजह से जमीन लानती ठहरी, उसने आदम को कहा कि तेरी वजह से जमीन लानती ठहरी, अब ये ऊंट और पिटारे उगाएगी। तो गलती किसकी हुई? हम अगर कलाम को समझते हैं तो कलाम में ये लिखा है चूंकि आदम की जिम्मेदारी थी कि वो हर एक बात इसी तरह अपनी बीवी को बताता, ताकि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के साथ एक तन होते हुए अपने सारे फैसले करते। और हकीकत ये है कि अगर वो अपनी बीवी को बता देता ना तो आज दुनिया में इतना बुआड़ा नहीं चलिया। हाँ जी बिल्कुल जी, वो इल्ज़ाम देता है और आज भी माजरत के साथ बहुत सारी जगहों पर खानदान तबाह इसी वजह से होते हैं कि जब हम अपनी बीवियों को, अपने जो स्पाउस हैं, अपने जो कंपेनियंस हैं, उनको अपने फैसलों में शरीक नहीं करते। ये जिम्मेदारी है, ये बाइबल की तालीम है। खुदा ने किसको कहा था कि कौन अपना माँ बाप छोड़ेगा? उसने औरत को किया सी, उसने आदम को किया सी, आदम छोड़ेगा। हमारा कल्चर उल्टा है, असी पहले बीवी ब्याह के लिया, जबकि हकीकत में ये कल्चर वेस्ट यूरोप ने, यहूदियों ने अपनाया है, इसी वजह से वो कामयाब है। मैं इनकरेज नहीं कर रहा कि आप ठीक है, हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा है कि हम कंबाइंड फैमिलीज में रहते हैं, मैं उसको डिस्करेज नहीं करता, ये हमारा कल्चर है। लेकिन कलाम के रूह से जो हकीकी, अगर आप ख़ानदानी ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो ख़ानदानी ज़िंदगी ये है कि वेस्ट में क्या होता है कि वो शख्स जब तक एक उनका बेटा इस काबिल नहीं होता कि वो अपनी बीवी के लिए क्या करेंगे, सामान इकट्ठा नहीं कर लेता, घर नहीं बना लेता, वो उसे शादी के काबिल नहीं समझते। तो तालीम जो बाइबली तालीम है वो ये है कि मर्द छोड़ेगा, लेकिन हम उल्टा करते हैं, खैर आप अभी उस डिबेट में नहीं जाएंगे। लेकिन खुदावंद यहाँ पर कलाम के जरिए से बात कर रहा है कि शादी करना, जो हम शादी करते हैं वो इज्जत की नज़र से देखा जाए, और ये जिम्मेदारी है एक शख्स की, मर्द की, कि वो सारी बातें अपनी बीवी के साथ शेयर करे। अच्छा मेरी बेगम भी आज नहीं है, लेकिन मैं भी एक वक्त में ये बातें अपनी अपने वाइफ के साथ शेयर नहीं करता था, लेकिन जब मैंने कलाम को डीपली पढ़ना शुरू किया तो जीजो मैं आपको एक चीज़ इंकरेजमेंट दूँगा, आपकी बीवी से ज़्यादा अच्छा दोस्त आपका नहीं, और आपकी बीवी से ज़्यादा ना ही कोई आपको अच्छा फीडबैक दे सकता, ये भी बात ना। बाकी बात होगा तो लोग आपको ज़रूर दूसरों के सामने खुश करने के लिए खुश करेंगे, लेकिन इंकरेजमेंट है कि जो बातें आपकी हैं वो हमने पार्टनर्स के साथ शेयर करें। हम आगे चलते हैं, हम इस पर डिटेल आगे नहीं जाएंगे। और फिर खुदावंद ने कलाम में लिखा है जर्ब की दोस्ती से खाली हो और उसी पर कनात करो जो तुम्हारे पास है। जर्ब की दोस्ती यानी लालच की जिंदगी, वो ऐसी जिंदगी, ऐसा शख्स जो पैसों के लिए लालच करता रहता है, जो हर वक्त इस कोशिश में रहता है कि मुझे और मिल जाए, जो किसी भी लिहाज से आसूदा नहीं होता है। और रसूल कहता है कि जर की दोस्ती से खाली रहो, जर से खाली ना रहो। कलाम ठीक है, कलाम ये नहीं कहता कि आपके पास पैसा ना हो, पैसा होना चाहिए, लेकिन वो अच्छे मकासद के लिए होना चाहिए, खुदा के कलाम के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए, वो गलत मतलब के लिए नहीं होना चाहिए। अब रसूल कह रहा है जर की दोस्ती से खाली हो, जर से खाली ना रहो। आप बढ़ सकते हो, आपको बढ़ना चाहिए, तालीम हासिल कर सकते हो, तालीम हासिल करो, आप अच्छी नौकरियां हासिल कर सकते हो, करो, आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो, जायज तरीके से पैसा इकट्ठा करो। मैं पॉवर्टी को, गुर्बत को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन रसूल कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर कनात करो, लेकिन स्ट्रगल जरूर जारी रखो, अपनी हिम्मत किसी भी जगह पर ना हारो। अब जर से खाली ना रहो, जर की दोस्ती से खाली रहो, यानी लालच से, जिंदगी में लालच ना रहे। ऐसा शख्स जो लालची है वो जिंदगी में कभी मुतमइन नहीं होता, वो हर वक्त यही कोशिश में रहता है
कि कुछ ना कुछ वो हासिल करे, जिसकी जिंदगी में बस एक ही रट हो के मुझे ही दिया जाए, जो यही समझता है कि मुझे ही दूसरों से फायदा हो और वो हर वक्त इसी चक्कर में हो कि मेरा फायदा हो, दूसरे शख्स का बेशक ना हो। ये लालची शख्स है, ऐसा शख्स जिसमें लालच की स्पिरिट होती है, और ऐसा इंसान कलाम बयान करता है कभी भी मुतमईन नहीं होता। और कलाम तो यहाँ तक भी कहता है कि लालची शख्स जो इंसान है वो बुतप्रस्त के बराबर है। और आप अगर देखें, लालची शख्स कौन है जो हमेशा ये कोशिश करता है कि मेरे पास कुछ और हो, कुछ और हो। चाहे अगर आपके पास लाखों रुपए हो, अरबों रुपए हो, और आप इस चक्कर में होंगे मुझे कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, तो फिर आप आसुदा शख्स नहीं है, फिर आप में कंटेंटमेंट नहीं है, मुतमईन आप नहीं है, इत्मीनान आपकी ज़िंदगी में नहीं है, फिर आप लालची शख्स हैं। और कलाम बयान करता है कि लालची शख्स जो है वो बड़ा ख़तरनाक है। वो दूसरों के लिए क्या, वो अपनी ज़ात के लिए बड़ा ख़तरनाक है। अब कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें बीज बोने वाले की मिसाल दी कि कुछ जो बीज हैं वो राह के किनारे गिरे, और फिर कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे, और फिर कुछ झाड़ियों में गिरे, और कुछ अच्छी ज़मीन पर। लेकिन जब खुदावंद उनकी तफसीर बयान करते हैं तो जो झाड़ियों में गिरे उसके बारे में वो कहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो दिल में खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, लेकिन दौलत का फरेब, चीज़ों का फरेब, लालच कलाम को दबा लेता है और वो कलाम को उगने नहीं देता उनके ज़िंदगी। और ये लालची शख्स बड़ा इस मामले में फिर परेशान करता है। इसी वजह से कलाम मुकद्दस की अगर इस आईने पर रखते हुए अपने आप को देखें तो आज बहुत से ईमानदार जो है बेपल हैं, वो रूह की मामूरी उनकी ज़िंदगियों में काम नहीं करती। फिर भले हम गाते रहें कि खुदा का पाक रूह जुम्बश करे, लेकिन अगर अंदर लालच है, बुगज है, मोहब्बत नहीं है, दिल सरहेज नहीं है, शुक्रगुजार स्पिरिट नहीं है, शुक्रगुजार आपके अंदर रूह नहीं है, लालच से भरा दिल है, तो फिर कलाम में लिखा है कि आप तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए रसूल यहाँ पर इनकरेज करता है कि जर की दोस्ती से खाली रहो। और कलाम मुकद्दस में अगर हम साल की आप तीसरे बाप को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है जोंक की दो बेटियाँ हैं, जोंक लीच भी इसको कहते हैं, दो बेटियाँ हैं जो क्या कहती रहती हैं, दे 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 चलाती रहती हैं। फिर वो कहता है दो नहीं बल्कि तीन हैं जो कभी शेर नहीं होती हैं। फिर कहता है तीन भी नहीं बल्कि चार हैं। और वो बयान करता है कि जो हर वक्त रोती रहती हैं, फिर वो उन चारों को डिस्क्राइब करता है। आगे अगर हम उसकी अगली आयत पढ़े, 16वीं आयत तीसरे बाब की, तो लिखा है एक पाताल है और फिर बांझ का रहम है, और ज़मीन जो सैराब नहीं होती, ऐसी ज़मीन जो हर वक्त भूखी रहती है, उसमें जितना भी पानी आप लगाएं वो सैराब नहीं रहेगी, और आग जो कभी भी बस नहीं करती है। और ऐसा शख्स, लालची शख्स को उस ज़मीन के बारे में कहा गया है जो कभी सैराब नहीं होती। और ज़मीन ऐसी अगर हो, अगर आप देखें आप उसको पानी लगा रहे हैं, पानी लगाते जा रहे हैं, पानी लगाते जा रहे हैं, और वो सैराब नहीं हो रही, तो एक जगह पर आप भी क्या होंगे, तंग आ जाएंगे, आप इरिटेट हो जाएंगे कि बस अब हम पानी नहीं लगाते, और आग में आप जो कुछ मर्जी आग में डाल दो वो उसे जला कर राख कर देती है, ख़त्म कर देती है। ऐसा ही लालची शख्स है कि जो मर्जी देते जाओ, जोंक की दो बेटियों की तरह वो दे 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 कहती रहती हैं, लेकिन बस नहीं करती हैं, और वो पाताल हैं जहाँ जोंक का चला जाता है वो वापस नहीं आता। और फिर रसूल एक और बड़ी खूबसूरत बात करता है, उसी पर तनाज करो जो तुम्हारे पास है, अपनी पांच रोटियों दो मछलियों पर दुआ करो, ये बढ़ जाएंगी, शुक्रगुजारी करो। एक और कलाम की भेद की बात आज आपको बता, उसी पर तनाज करो जो आपके पास है। मैंने पहले बात की, मैं पावर्टी को प्रमोट नहीं कर रहा, गुरबत को प्रमोट नहीं कर रहा कि अब आप ये समझेंगे कि मैंने ये कहा है कि जो कुछ साढ़े को है बस ये काफ़ी है। मैंने पहले आपको इनकरेज किया है, आप बढ़ सकते हैं, आप बढ़ें, तरक्की कर सकते हैं, करें। अगर आप तरक्की नहीं करेंगे आप अपनी और अपने खानदानों की तरक्की नहीं करेंगे। लेकिन एक और बात भी ज़िंदगी में याद रखिए, जो आपके पास है अगर आप उस पर शुक्रगुजारी नहीं करते, और जो आपके पास नहीं है
उसके पीछे भागते हैं तो फिर क्या होगा, जो आपके पास है वो भी आपसे देगा। अब मिसाल दूंगा, तकलीफ पे चले जाते हैं आदम और हवा, उनको पूरा बात दे दिया गया और क्या कहा गया एक दरख्त के बारे में कि इसमें से तुमने फल नहीं खाया। लेकिन हकीकत क्या थी कि वो कनात प्रस्त नहीं, इंसान की खसलत है, इंसान जिस चीज से मना करे उसी चीज की तरफ जाता है। उन्होंने कनात नहीं किया और उन्होंने जो नहीं था उसके पीछे भी भागने की कोशिश की। जब उसके पीछे भागने की कोशिश की एक दरख्त के पीछे, उन्होंने पूरा बाग गवा। तो जो आपके पास है अगर आप उस पर कनात नहीं करेंगे तो फिर आप भी एक दरख्त अगर हासिल करना चाहेंगे तो आप अगर पूरा बाग गवा देंगे तो ये फिर किसी भी जगह पर आपका जो फायदेमंद सौदा तो नहीं है, ये तो घाटे का सौदा होगा। अब आप देखें कलाम मुकद्दस में बहुत सारे मिसालें मिलती हैं, कुछ मिसालों से मैं आपको समझाता हूँ। सैमसन को दलायला नहीं दी गई, उसको क्या कहा गया था, उसके बारे में कलाम में लिखा है जब मनोहा ने उनको खुदा के कलाम में से उनको उसकी सैमसन की पैदाइश का उनको जब बताता है तो कहता है कि वो माँ के पेट से खुदा का क्या होगा, नज़ीर है, खुदा का नज़ीर, मकबूल तरीन शख्स, खुदा का प्यारा, पसंद करने वाला। लेकिन एक शख्स को इतनी शाज़ोरी दी गई कि बनी इसराइल कौम में ऐसा शख्स नहीं आया। एक वक्त में फलस्ती उसे पकड़ने आ जाते हैं, यहूदा के कबीले के पास आते हैं, यहूदा का कबीला इसके पास 3,000 लोग भेजता है। उन्हें कहता है कि तुम खुद मुझे कुछ ना कहना, मुझे बांध के फलस्तियों के हवाले। ऐसा जोरावर शख्स, शहजोर शख्स जिसमें जिसको खुदा ऐसी कुव्वत दे देता है कि थोड़ा सा उसके पास आता है तो एक गधे का जबड़ा मिल जाता है, एक गधे के जबड़े से वो 1,000 फलस्ती मार देता है। खुदा का रूह उस पर था लेकिन एक दलायला की वजह से जो खुदा ने उसको नहीं दी वो हासिल करना चाहता रहा। उसको क्या हुआ कि नहीं जानता था खुदा का रूह उससे जुदा हो गया। दाऊद में एक मसला था कि उसमें लज्ज, उसमें भी जना का खमीर था और ये खमीर उसमें नहीं रहा, उसकी इस गलती की वजह से उसकी औलाद में भी आया। अगर अमनून और तिमर ये अमनून और तिमर जो बहन भाई थे वो आपस में जना का ही कर रहे, ये वही एक लाइन थी और खुदा ने उसको सजा भी दी उसकी। क्यों? वो सब हासिल करना चाहता था जो उसका नहीं। आप भी देखें साउल के बारे में पढ़े, यहूदा इस्करियोती को खिदमत दी गई थी, उसको 12 शगिर्दों के साथ खिदमत का तोड़ा दिया गया, उसने उस खिदमत को धुतकार दिया, उसने कहा मैं पैसा भी चाहिए सारा, मुझे दौलत भी सारी चाहिए, वो थैली में से भी हाथ मारता रहा। वो चाहता था कि जो इत्र से खुदावन के पैर धोते रहे हैं वो इत्र भी बेचा जाए और फिर वो 30 रुपयों में खुदावन का सौदा भी कर देता है और उसने खिदमत को नाचीज जाना, अपनी जिंदगी से भी गया और लानती मौत भी हो। लेकिन एक इनकरेजमेंट है कि शागिर्दों को खिदमत दी गई, उन्होंने उस खिदमत की इज्जत की, उन्होंने उस खिदमत को अपना लिया और जो उनको मिल गया, जब मिल गया उस पर कायम रहे तो क्या हुआ कि खुदा ने भी उनको बरकत। आपके लिए इंकरेजमेंट है, जो आपके पास है उस पर बरकत चाहें, तो जो आपके पास नहीं है आप स्ट्रगल जरूर करें, अगर खुदा की मर्जी है तो वो आपको दे देगा, लेकिन आप जर की दोस्ती से उस जर दोस्त ना रहें। आप लालच ना करें किसी चीज का। लालच क्या है कि अगर मेरे भाई के पास कोई चीज़ है तो मैं ये लालच करूं ये मेरे पास भी हो। अपनी जिंदगी में कनात रखें। और कलाम में लिखा है कि काने शख्स, वैसे भी अगर काने शख्स के बारे में देखा जाए तो उसकी जिंदगी असुदा हो जाती है, पुरसकून हो जाती है, वो उस अपने दिल में तसल्ली रखता है। क्यों? वो लालच नहीं करता है। इसलिए जिंदगी में इनकरेजमेंट रखें कि जो आपके पास है उसी पर आप कनायत करें। फिर हम देखते हैं इसकी अगली आयत है जो 6 आयत है,
वहां पर लिखा है, इसलिए उसने फरमाया है कि मैं तुझसे कभी दस्त बर्दार ना होऊंगा और कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। हमने अभी गवाहियां सुनी, इन गवाहियों में हमें नजर आया खुदावन का एग्जाम्पल, मिसाल नजर आई, प्रैक्टिकल हमने देखा कि वो हमें नहीं छोड़ता। और कलाम बयान करता है, अगर आप इस आयत को ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ें तो वहाँ पर, यहाँ पर हमें एक दफ़ा लिखा है कि मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा और कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है नॉट नेवर, नेवर आई विल लीव यू। यानी कि तीन दफ़ा वहाँ पर खुदा ये वादा करता है कि मैं कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं तुझे छोड़ूंगा, कभी तुझसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा, कभी भी तुझे अकेला नहीं छोड़ दूंगा। यानी वो ये इनकरेजमेंट कर रहा है कि अगर आप खुदावंद के पास आना चाहते हैं, इन सारी बातों पर आप अमल पैरा हो, वो आपसे वादा करता है, अपनी जिंदगियों से ये पेज ही निकाल दें कि मैं तुझे कभी छोड़ दूंगा, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, वो आपके साथ रहेगा। और इसी वास्ते वो कहता है हम दिलेरी के साथ रहते हैं। अब पहले वो बात खुदा भी करता है, खुदावंद भी करता है, फिर अपनी बात कर रहा है कि हम यानी इंसान, हम दिलेरी के साथ कहते हैं कि ये जो चीज़ है हमारे अंदर दिलेरी पैदा कर देती है। इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरे साथ खुदावंद है तो फिर इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपका भाई, आपकी बहन, आपका पड़ोसी, कोई रिश्तेदार आपको तरक्की नहीं करना देता या करना नहीं चाहता, तो उससे ज़्यादा आप अगर ये सोच रखते हैं तो एक आपके लिए इंकरेजमेंट ये भी है कि अगर खुदावंद चाहता है आप तरक्की करें तो फिर आपको कोई इंसान नहीं रोक सकता। फिर कोई इंसान आपके लिए चाहे जैसी मुश्किल वो पैदा कर भी देता है ना, खुदावंद उनमें से बात कर देता है। अभी बुजुर्गों बता रहे कि इंसान ने मसाइल खड़े किए लेकिन पहली हेरी पे, पहली अपील से खुदावंद ने निकाल दिया। खुदावंद की गवाही है, खुदावंद का बड़ा फजल है। अगर वहां पर खुदावंद इंटरवेंशन ना करते, दाखिल ना होते, उनकी वहां पर मर्जी ना होती तो फिर हालात फर्क हो सकते। मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में इस कलाम के, जो आज कलाम खुदावंद ने मुझे दिया, कि आप अपने अंदर मोहब्बत रखें, प्यार रखें, एक दूसरे के लिए टॉलरेंस रखें, इज्जत करें एक दूसरे की, और जो कुछ आपके पास है उसी पर कमाएं। खुदावंद आपको इस कलाम की वसीला से करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। सबसे बड़ी इन सारी बातों के बाद हमें जो इनकर